उनके दोस्तों आपसे वैसे हूँ कैसे हैं। आज जो ना पूरा दमाम का जो वीडियो देखेंगे सीजन ना, यार ऐसी तुम्हारा जो ना इस शीशा को साफ नहीं किया है, शीशा बहुत ज़्यादा डर्टी बारिश कल हुआ है। आराम से आराम करो, वाइपर चालू करो, वाइपर चालू करो। कल बारिश हुआ, पानी देख रहे हो रास्ते में, आज भी मौजूद है, ये दमाम है, बहुत ज़्यादा तूफान में बारिश हुआ था। और कल का नशा जो है ना बरसात का, जो आज तक दिख रहा है। बारिश हुआ है क्या यार? नहीं यार, बारिश नहीं हुआ, मुमकिन पानी छिड़क रहा है। डटी है यार, थोड़ा वाइपर मारो। पॉइंट बढ़ा दो, थोड़ा शीशा सफाई हो जाए उसके बाद। अरे यार एसी चालू ही है इधर, क्या है इसीलिए क्लियर दिख रहा ना। अभी क्या क्लियर दिख रहा है यार? हो गया है बस बरसात की वजह से, देखो ट्रैफिक अभी भी है और यहाँ पे ट्रिपल काम हो रहा है। लोकेशन यहाँ पे है, म्यूजिक का सिस्टम इधर चल रहा है और आगे यार लोकेशन में कैमरे बता रहे हैं, यहाँ पे कैमरे बता रहे हैं, देखता हूँ है कि नहीं। ओ अभी कैमरा आने वाला है, देख रहा हूँ ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। कैमरा कैमरा भाई मिल जा, दो इधर आगे है, किधर है दिखाओ, दो इधर आगे राइट साइड में, राइट में किधर है? हाँ है यार, लेकिन सड़ा उतना आगे है, पहले बता रहा है कैमरा है, लेकिन सही है यार ये लोकेशन कैमरा भी बताता है यार। मैं तो पहली बार जो ना ये देख रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं था। ये जो ना पूरा दमाम दिख रहा है आप सबको, टाइमिंग जो है 11 बज चुका है, तो इंशाल्लाह भी जो है 19 मिनट तक कंटिन्यू दिखाएंगे। पूरा दमाम जो ना देख लोगे अल खबर तक, पेट्रोल पंप बहुत दिख रहा है। बरसात का पानी देखो भाई, जैसे लग रहा है कि कोई तालाब बन चुका है। ये सब जो है ना पानी इसमें जमा है, आप सबको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। और यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये लाइटें जो है ना चमक रहा है ना, पानी चमक रहा है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। और दूसरा कैमरा भी आने वाला है, और दूसरा कैमरा भी आने वाला, देखो ये लोकेशन बता रहा है कि दूसरा कैमरा आ रहा है। अब देखते हैं आगे जो है ना कैमरा आ रहा है कि नहीं। अभी 100 का स्पीड है, स्पीड बढ़ाएगा ना तो खचाक से मारेगा, लेकिन ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है, घर से नुकसान है, काट लेता है कैंची से। एटीएम में जाने से पहले जो है ना निकाल लेता है वो अपना वो खाल खा। तो कोई भी भाई जो ना ड्राइवर में आते तो उनको यही कहेंगे भैया थोड़ा संभल कर चला लिया करो।
ट्रैफिक नहीं है। रियाद में जो है ना पानी पानी हो जाता है, आधी घंटा का रास्ता समझ लो या डेढ़ घंटा लग जाता है। यहाँ पे तो टाइमिंग जो बताता है ना उसी टाइम पे आप पहुँच जाओगे, यहाँ पर ट्रैफिक नाम का चीज़ें नहीं है। हम तो सोचते थे फंसेंगे कभी, लेकिन ट्रैफिक नहीं मिलता है, कितना बड़ा आ चुका हूँ। तमाम सही है ड्राइविंग के लिए, उतना ट्रैफिक नहीं है। और याद भी जो है दिमाग ख़राब हो जाता है ड्राइविंग के लिए, सही कह रहा हूँ ना। देखिए भाई साहब ट्रैफिक का छोड़ो यार, कैमरों से बचो। हाँ यहाँ पे तो कैमरा स्पीड कैमरा तो बहुत ओवर है, कैमरा ज़्यादा है तमाम। हाँ कैमरा ज़्यादा है स्पीड भाई, ट्रैफिक जहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे तो स्पीड लिमिट डाल पे खड़े कस के समझता है कि भैया। अभी देखो कितना तूफान में जा रहा बनता, इतना तूफान में जाना बेचारा नहीं था, लेकिन जबरदस्ती कर रहा करो। रात का लुक है कितना बजे का, 11:35 यानी 11:30 बजे का टाइम देख लो गूगल टाइम में, लोकेशन भी चल रहा गूगल से ट्रैकिंग। लेकिन भाई को जो मालूम एकदम है ड्राइविंग करना मालूम है, उस पर देख रहे हो साइड बोर्ड पे कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा मारेगा ना बर्बाद कर देगा। एक बार जो ना हमारा जो मन लगा था कितना तक 1800 रुपये का जो ना पूरा 1800 का आया था सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट नहीं भी लगाया था ना, हम तब से छोड़ दिए, तब से हम बराबर कंटिन्यू लगाते हैं। 1800 रुपये हो गया कितना इंडिया का, 40,000 मान कर जो 40,000 कौन बढ़ेगा, एक महीने का तनख्वाह कटेगा मेरा। बर्बाद हो गया था, लेकिन 100-200 रियाल काटा फिर छोड़ दिया, वो भी बहुत कोशिश के बाद थी। अब बरसात का देख रहे हो, आज बरसात नहीं हुआ है, कल ही का बरसात का पानी है सड़कों पे। इसमें भी जो है पानी से सुखा, ये मोटर वगैरह टंकी वगैरह से जो है ना सुखाया गया, उसके बावजूद भी जो है ना पानी है। अभी दिन जो होता ना तब दिखाते हैं, चलिए इंशाल्लाह जो ना कल हो सकता है हम दिन का ये दिखाएंगे, आज रात का दिखाएंगे। इधर देख लो बड़े बड़े गाड़ी सब जो है ना, ये हमारे ख्याल से सब जा रहे कहाँ कन्फर्म नहीं बताया जा सकता, लेकिन रियादे का होना चाहिए, बहरीन कुवैत, हाँ हर एक जगह यहाँ से जाते हैं। यहाँ से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता ना, लेकिन एक बात है ड्राइवर सब का जो ना नींद जो ना नहीं आता है, नींद आता है ना तो मर जाता है, फिर सोने का दिल नहीं करता, बहुत मुश्किल से नींद आता है, सही कह रहा हूँ ना। सब ड्राइवर की बात नहीं बता रहा हूँ, बस यानी घर खाते वाली की बता रहा हूँ, घर खाते वाली का जो ना रात में कोई ड्राइवर मिल जाए ना, घर खाते वाली ड्राइवर से जो ना दुआ सुनना हो तो रात का समय में मिल जाए, 10-11 बजे खाना ना मिला हो तब देख लेना कितना धुआं निकलता है उसके दुकान से, सही कह रहा हूँ ना भैया। अब देख लो यहाँ का व्यू पूरा दिख रहा था मामा का, परेशानी ही नहीं है इधर से उधर 10 मिनट लेट और से है कि नहीं, उन सब का कुछ नहीं जाता, बोलेगा जल्दी जल्दी जल्दी, बोलने का आता हूँ जल्दी में, लेकिन करने का आहिस्ते आहिस्ते, सही है, सुनने का लेकिन बोलने का भी आता हूँ, लेकिन अपने हिसाब से जल्दी सेफ रहना चाहते हो तो
नहीं तो पगार इतना घटेगा ना कि पगार से मुखालफा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे तो दमाम में तो ट्रैफिक कम है लेकिन स्पीड कैमरा ज़्यादा है और सिग्नल कैमरा भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि सिग्नल कैमरा नहीं है, रियाज में एकदम अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कैमरा का सिग्नल है। बस ट्रैफिक है, ट्रैफिक है ना तो फिर ड्यूटी का जो है ना कैसे कटता ना टाइम पता नहीं चलता। जो साथ में बैठ जाता ना उसको भी जो ना लगता कि भैया हमने जो घूमे हैं, एक दुकान में जाएंगे एक मॉल में जाएंगे ना तो लगेगा उसको कि थकान हो चुका है, फिर ड्राइवर का भी आराम हो जाता है। लेकिन दूसरा कोई बहुत सारे भाई ऐसे होते भैया ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, काम ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समझ में ये तो बेकूफ़ी है। यानी समझ लो ट्रैफिक एरिया रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा पानी मार दोगे पूरा कचरा कचरा होगा। एक बार और ऐसे लगा दो बस, पानी नहीं निकालना। अरे अरे छोड़ दो यार, यार ये देख रहे चमक रहा है, चलो रहने दो। जैसे भाई को लग रहा है अपना घर से जो है पानी मारना पड़ रहा, वाई फाई मोबाइल में चलाना पड़ रहा करने से, इसलिए जो है देख रहे हो थोड़ा सा इतना बीच में पानी है, ये जैसे लग रहा कि किसी ने थूक फेंक दिया। भाई की ड्राइविंग करोगे तो सर में दर्द होना जरूरी है यार, रात का समय उसमें भी चश्मा लगा के यार। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा जूमिंग करके दिखाता हूँ। इतना पे ज़्यादा सही है, ज़्यादा पे सही नहीं है। जमीन पूरा दमाम देख लो आज 30 मिनट में जो है पूरा दमाम अलखबर तक दिख जाए। कितने बजे आने के लिए बोले? जुमा सदा खलास बादन अदा खलास बादन लतुल सगर मेहदी बादन खलास बेला चोर मैं भी सोता खैर। यार ये होटल कौन सा है हमें पता नहीं है, किसी भाई को मालूम हो तो डायरेक्टली बताएं, दमाम से देख रहे हो दमाम में तो बता देना भैया इसका नाम क्या है, बहुत खूबसूरत है ये। इंडिकेटर का आवाज़ आया था ना टिक 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 टिक, यानी देख लो हम सब जो है ना राइट लेफ्ट करते हैं। ये टेलीविज़न लगाया हुआ है यार, कोई पिक्चर लगा दे तो फिर थोड़ा देखते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बस देखने में। यार यहाँ पर तो इतना बड़ा बड़ा टीवी लगाया हुआ है ना, अब यहाँ से नज़दीक से देखने में मज़ा आएगा। देखो दमाम का जो है ना टिक लगा कर बता रहे भैया इतना मिनट में हम वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं आप सब कहाँ से देख रहे हो, दमाम से देख रहे हो तो कौन सा एरिया से देख रहे हो हमें बताने का सही है ना। और बहुत सारे भाई बोले थे कि भाई दमाम में मुलाकात करेंगे, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह जो है ना, आप डायरेक्टली लोकेशन सेंड कीजिएगा आ जाएंगे मुलाकात के लिए। ओके लोकेशन है, बस लोकेशन चाहिए पहुँच जाएंगे अभी 8 मिनट तक और दिखाएंगे। आठ मिनट के बाद जो है अपना रूम आ जाएगा वहाँ पे, समझ लो जितना देर से आप सबको दिखा रहे हैं ना पूरा दमाम देख लो यार। चला गया ना, लोकेशन तो नहीं बताया, कैमरा है कैमरा, रुक जा लोकेशन को आवाज़ देता हूँ भाई बोलने का लोकेशन।
in 3 kilometers, take the exit toward Prince Faisal bin Fahd Road. Prince Faisal bin Fahd Road. चलो बोल रहा है प्रिंस फैसल बिन फहद यार, मैं तो बैठा बैठा थक जाता हूँ, इससे अच्छा गाड़ी चलाने में मजा आता है। और बोल कुछ, कहाँ जाना है? अबे हो गया। In 300 meters, turn left onto Prince Faisal bin Fahd Road. देखने का कैमरा इशारा है। Turn left onto Prince Faisal bin Fahd Road. Prince Faisal bin Fahd Road. लेफ्ट में जाना बोल रहा है ना? अंग्रेजी भी साला वो गूगल जो ना ऐसे बोल रहा है ना कि समझ में नहीं आया। लेकिन भैया। In 600 meters, turn left onto Abu Ubaida Al Jarrah Street. 600 मीटर जो है ना लेफ्ट बोल रहा है जाने के लिए। पूरा दमाम का दिख रहा है। भाई यार ये यहाँ पे जो कल जो पानी था, मत पूछो, इतना ज्यादा पानी था ऊपर से पूरा। वहां पे देखो पानी अभी भी जाम है। Turn left onto Abu Ubaida Al Jarrah Street. ये कैमरा ऐसा रहा है। और यार ये क्या चीज है? राम लोड़ा बताया जा रहा। ये फॉक्स लाइट किसका? साको का। साको वाले प्रचार वो कर रहे हैं भैया, बोल रहा कि आ जा, लेकिन जाऊंगा नहीं खा सकते पास। हाँ अभी सही साफ दिख रहा है। सही की ऑन करके 28 सेकेंड भी बता रहा है। यहाँ पे टाइमिंग सिस्टम दिया है कैमरे की वजह से कि कल के दिन में ना बोले कि भाई टाइम नहीं दिखाता, लेकिन तुमने कैमरा मार दिया, क्योंकि 3000 रियल मुखालफा हो चुका है। फर्स्ट टाइम 500, उसके बाद 3000 कंटिन्यू पे करते रहिए। यानी समझ लीजिए 1500 पगार है, तो 2 महीने का पगार एक ही सारा कैमरा मारे तो फिर गया। 2 महीने का भुगतान आप भरते रहिए। ड्राइवर का काम बहुत अच्छा तो बहुत बेकार भी है। सोचते हो कि भाई ऐसे में रहते हैं, कौन सा ऐसे में रहते हैं कि हम सब जानते हैं। यहाँ पे कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा, देख रहे हैं? अभी स्टार्टिंग है। यहाँ पे सिग्नल पे पूरा पानी पानी था कल। उसके लेफ्ट में आप सबको दिख रहा ना, तालाब बन चुका है। ये तालाब जितना पानी होता ना पोखर उतना पानी है। सिग्नल ऑन हो चुका है। अभी थोड़ा सुकून है, समुंदर एरिया से आ रहे भैया। देख रहे, बताना नहीं पड़ता।
बोलना नहीं पड़ता हूँ, खुद बताता कि भैया उधर चलो उधर चलो उधर चलो। लेकिन थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा समझ में आना चाहिए, अंग्रेजी समझ में आ रहा है ना तो फिर आपको गाइड करने के लिए ये लोकेशन अच्छा है, आपको बोलेगा भाई लेफ्ट चल राइट चल। हिंदी में भी सेट कर सकते हो, हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी बोलता है कि नहीं बोलता है, सिखाना पड़ेगा उसको, उसके बाद बोलेगा। लोकेशन भी सिखाओगे तो क्या कैसे सिखाओगे, सिखाओ हम भी देखें। अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, सीख लेंगे। ये जो ना दमाम का जो ना इसमें जो ना दमाम का सऊदी सब रहते हैं, अब हमारा लोकेशन जो ना 3 मिनट में कंप्लीट होने वाला, बहुत बकवास कर लिए हम, थोड़ा बहुत सऊदी का घर सब दिखा देंगे, देख रहे सजा के रखा, शादी ब्याह जो होता ना वैसा ही हो भी सकता, कुछ शादी ब्याह का ही होता है ऐसा। मैंने बोला देखो भाई ने जवाब दे दिया उसको, मतलब सही है। अभी राइट में जाना है ना, यहाँ पे चलो घर सब दिखाते हैं। सब राइट लेफ्ट करते हैं ना तो सिग्नल पहले दे देते हैं कि भैया चल गए माशाल्लाह हमारे सामने मस्जिद है, कासिम अल टेबी देन योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट। वहां से हटा ही लोगों ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो गैराज है। ऑप्शन देखो गाड़ी का क्या गजब का डायरेक्शन दिया, लगा दो मस्जिद के पास सही रहेगा। गाड़ी लिखने के दम मस्त, अभी सन्नाटा है पूरा, हम सब जाग रहे हैं।